नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के एक नए वीडियो में। आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में हम बात करें। मैं नजर नहीं आ रहा हूँ, आऊंगा नजर, बहुत अच्छे से आऊंगा और बहुत अच्छी चीज सिखाऊंगा आज। चलो शुरू करते हैं। कैसे शुरू करें भाई, मैं तो हूँ ही, करते हैं। आ चुका हूं मैं एक नया ट्यूटोरियल लेके, बहुत ही मजेदार है। और आज के ट्यूटोरियल में जिस किसी ने भी नहीं देखा ट्यूटोरियल, वो बहुत कुछ मिस कर जाएगा। CS3 का एक बहुत ही लेजेंडरी ट्यूटोरियल है और इसमें मैं माजदा एल्बम का कवर पेज डिजाइन करने का पूरा मैकेनिज्म बताने का, बहुत बढ़िया से मैकेनिज्म को समझेंगे, कैसे काम कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्या सुधार किया जा सकता है, कैसे बनाना है। साइज का थोड़ा सा डिफरेंस रखूंगा मैं चेंजेस, क्योंकि मुझे थंबनेल में भी लगाना होता है, तो साइज को मैं थोड़ा सा इनहेंस करके बनाऊंगा, बड़ा करके बनाऊंगा, ताकि आप लोगों को समझ तो आ ही जाए। और देखते हैं अभी मैकेनिज्म कैसे काम करता है। फोटोशॉप का CS3 वर्जन मैं चालू कर लेता हूँ। ये फोटोशॉप का CS3 सॉफ्टवेयर आ चुका है और इसमें हम डिजाइन करेंगे। तो कोई समस्या आती तो आप मुझे कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर फोटोशॉप रिलेटेड टिप्स डालता हूँ और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए एजुकेशन पर्पज की चीजें लेके आता हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर करें। देखो यहां से मैं दो फाइल ले लेता हूँ। सबसे पहले एक फाइल लेता हूँ, पहले बारी बारी बनाते हैं। सबसे पहले फाइल नंबर 1 ले लेता हूँ और उसमें थोड़ा सा सुधार कर लेता हूँ। यहाँ से एक फाइल ले रहा हूँ मैं और इस फाइल को थोड़ा सा कॉपीराइट के चलते कुछ चीजें इसमें बदल रहा हूँ, जैसे कि ये जो है, हाँ यस, ये फाइल बन के तैयार है। ये फाइल ले लिया है मैंने, ये फाइल रेडी टू यूज है। ध्यान से देखेंगे, ये फाइल आ गई है फोटोशॉप में। अब इसमें एक फोटो लगा देता हूँ जो ठीक लगे मुझे, जैसे कि यहाँ से मैं कोई भी रैंडम फोटो देख लेता हूँ, एक हाथ दो कोई भी फोटो। और जैसे फोटो बहुत सारी है, सारी फोटोस अच्छी हैं सभी लोगों की, और इन लोगों को क्रेडिट भी देना मेरा काम है, तो आप लोग क्रेडिट देख लें। ये फोटो ले लेता हूँ मैं, ठीक है। ये इंगेजमेंट जैसा मोमेंट है, लेकिन मैं इसको लगा देता हूँ। ये फोटो काफी ठीक लग गया, क्रेडिट ये रहा इन फोटो, इनका जो है ये फोटो क्रेडिट ये है। यहाँ से इस फोटो को सिलेक्ट कर लेंगे आप और यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसको क्लोज कर देंगे, ठीक है। कॉपी करके हटा दिया मैंने इस फोटो को। यहाँ पर आइए फ्रेम में, कंट्रोल के साथ इसको एक्टिवेट करेंगे, ठीक है। अगर आपको स्क्रीन पर नजर नहीं आ रहा है कि मैंने कौन सा बटन कब प्रेस किया है, कौन सी चीज कहाँ की है, तो बिल्कुल तनाव लेने की बात नहीं है, आपको हर चीज स्क्रीन पर नजर आएगा। ये जो है इस लेयर के फोटो को कॉपी पेस्ट कर लिया अपन ने, इस लेयर को कंट्रोल का बटन दबा के रखेंगे और इसको एक्टिवेट कर देंगे, तो ये लाइन सिलेक्ट हो जाएगी। अगर नहीं हो पाती है कोई बात नहीं, यहाँ पर आना है, लोड सिलेक्शन में क्लिक करना, ओके क्लिक करना, तो ये सिलेक्ट हो जाएगी। फिर भी नहीं हो पाती तो कोई बात नहीं, यहाँ पर आएंगे मैजिक वन टूल की मदद लेंगे और यहाँ पे वन क्लिक करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। पूरे में से जो सा ऑप्शन आपको ठीक लगे ले सकते हैं आप। मैं यहाँ पर सिलेक्ट लोड सिलेक्शन और ओके क्लिक कर दूंगा, ये हो गया। यहाँ आना है और यहाँ पर पेस्ट इनटू करना है, और जैसे ही पेस्ट इनटू करेंगे ये पेस्ट हो गई फोटो। और यहाँ पर आके इसको बड़ा करते हैं, ठीक है, इसको बड़ा कर देता हूँ, ये बड़ा किया। और यहाँ से इस फोटो को थोड़ा सा रोटेट करा देता हूँ, रोटेट करा दिया, जितनी मुझे जरूरत है उतना में, सॉरी ये 2013 नहीं है, 2023 है, ठीक है, 2023 है, बाई मिस्टेक को 13 टाइप हो गया होगा, मेरी याद से 2013 नहीं हो सकता। ये जो है इस फोटो को वापस आएंगे, एक्टिवेट करेंगे और यहाँ से इरेज करना शुरू करता हूँ। इरेज कर दिया मैंने इधर से, इसको 100% इस 100% कर देता हूँ और यहाँ से इसको ठीक हो गया। और इसको चाहूँ थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ बस। अगर आप चाहें तो इसका लेयर मोड बदल के बहुत सारी चीजें देख सकते हैं, जैसे कि ये लेयर मोड डाल देंगे तो भी ये बहुत प्रीमियम रहेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो जैसे मेरे को लग रहा है कि ठीक है तो ये ठीक है। और नाम यहाँ पर चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें, जैसे इसको भी इधर ऊपर करना है हल्का सा, और इस इफेक्ट को थोड़ा सा बड़ा करना चाहता हूं मैं,
इस इफेक्ट को बड़ा ना कर, थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और इसकी कॉपी बना के इधर पे मैं थोड़ा सा ला देता हूँ ताकि इफेक्ट बहुत प्यारा लगे। सिर्फ एक साइड से अगर इफेक्ट लगेगा तो बहुत अच्छा तो नहीं लगेगा, लेकिन दोनों साइड से अगर इफेक्ट काम करने लग जाए, इस साइड से भी और एक और साइड चाहिए मुझे, ठीक है। इसका एक और कॉपी बना लेते हैं इस इफेक्ट का, और यहां से इसको रोटेट करा के ये हो गया, और ये ओके क्लिक कर दी, बस काम खत्म हो गया। और इस फोटो में अगर आप चाहें तो चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि दूसरे भी इफेक्ट डाल के देख लेंगे कौन से इफेक्ट ठीक लग रहे हैं। मेरे को तो वही इफेक्ट ठीक लग रहा है, अगर आप चाहें तो चेंज करके देख सकते हैं। ये इफेक्ट ठीक लग रहा है और ये बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। और इस तरीके से फ्रंट पेज डिजाइनिंग, ठीक है, फ्रंट पेज डिजाइन तो हो ही गया है, लेकिन यहाँ पर एक बदलाव करना है। अब ये डिजाइन करके हो गया, अब इसको सेव कर सकते हैं, ठीक है। अब बदलाव कुछ नहीं करना है, बाद में खुद करना। जो इसका साइज देखने में 12x18 जो कि एल्बम में लगाते हैं, इसका साइज मेरे को बदलना था लेकिन नहीं बदला, कोई बात नहीं। अब इसको मैं सेव करना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं करूंगा, रहने देते हैं, दूसरा फोटो ले लेते हैं, ठीक है। दूसरा कवर पेज फ्रंट सेकेंड बना लेते हैं। ये लिया फोटो और ये आ गया तैयार, ठीक है। अब ये फोटो तो ले लिया हमने, इसका साइज देख लेते हैं PSD का, 12x18 सही साइज है। अब यहाँ पर तो फोटो लगा देते हैं, ठीक है। दो फोटो लगाना, इसमें थोड़ी सी समस्या है, ध्यान से देखेंगे। पहला पेज बनाया बिल्कुल दिक्कत नहीं हुई, कॉपी पेस्ट किया, क्या क्या किया सब कुछ दिख गया, कीबोर्ड के शॉर्टकट्स भी नजर आ गए, सारी बातें क्लियर हो गई आपके साथ। लेकिन इस वाले डिजाइन को बनाने में दिक्कत जाने वाली है, जैसे ये डिजाइन जो आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसको बनाने में दिक्कत जाएगी। आप क्यों जाएगी वो भी देख लेते हैं, कहाँ कहाँ जाएगी ये भी देख लेते हैं। फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा, अपना 100% दूंगा कि ये बेहतर से बेहतर हो सके। बहुत ध्यान से देखना है कि ये फोटो जो है ये बहुत ही अलग टाइप का फोटो नजर आ रहा है, जैसे यहाँ से थोड़ा सा डल नजर आ रहा, बाहर का थोड़ा सा हाईलाइट नजर आ रहा है। तो इस स्ट्रक्चर को बनाने में थोड़ा सा काम आपको करना पड़ेगा। क्या क्या काम करना है वो देख लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ से इस फोटो को देख रहा हूँ तो ये वन क्लिक में फोटो तैयार है, ठीक है। अब इसको देख लेते हैं और क्या क्या करना है समझेंगे। दो फोटो लूंगा यहाँ पर भी, मैं दो फोटो में कौन कौन सी फोटो ले लू जो मेरे को ठीक लगेगा वो फोटो मैं लूंगा, मेरी सुविधा अनुसार मैं फोटो लेता हूँ। जैसे कि मैं इस फोटो को लेना चाह रहा हूँ, या फिर किसी ये वाली फोटो ले लेता हूँ, ऐसी ये फोटो लेना चाहता हूँ, ठीक है। इस फोटो को लेंगे यहाँ से और ये लाएंगे, ठीक है। और इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, यहाँ सिलेक्ट किए ये कॉपी कर लिया यहाँ से और यहाँ से क्लोज कर लिया। अब ये जो फोटो है इसी के ऊपर पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये पेस्ट कर दिया फोटो, ये फ्रेम में आ गई और ये ओके क्लिक कर दिया। देखेंगे इसके जस्ट ऊपर पीछे वाली फोटो को डिलीट कर दे, डिलीट कर दिया। और अब जो है इस फोटो को बड़ा कर दू, ये बड़ा कर दिए और यहाँ से इसे रख देते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं और इसको इरेज करना शुरू करते हैं। 100% 100% इरेजर टूल की मदद ली और यहाँ से 100% 100%। इसका दूसरा तरीका ही बताऊंगा मैं इसको, इस इफेक्ट में कैसे बनाते हैं। इरेज हो गया, काम खत्म हो गया अपनी, और इस लेयर पे रहते हुए इस लेयर की मोड को बदल देंगे इधर पे, सॉरी इस लेयर पे रहते हुए इसके लेयर मोड को बदल देंगे इधर पे, ये लेयर मोड बदल के चेंज हो गई। अगर आप चाहें तो, जैसे मेरे को तो ये वाला इफेक्ट बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन अगर आप चाहें तो बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी बात, अब इस वाली फोटो की बारी आई, ये वाली फोटो की, ठीक है। तो इस वाले फोटो में क्या क्या चेंजेस करना है वो भी देख लो, ठीक है। तो अब इस वाले फोटो में चेंजेस करने की जरूरत तो नहीं है ज्यादा, लेकिन दूसरा एक फोटो ले लेते हैं, यहाँ से कोई फोटो ले लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पर ये फोटो ले लेता हूँ, ये फोटो ले ली और कॉपी पेस्ट कर लेते हैं इसको, कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ पर पेस्ट कर दिया हमारी, ठीक है। ये पेस्ट कर दिए और यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट कर दिया, ये फोटो आके तैयार है। अब इस फोटो को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और इसकी ओपेसिटी कम करके देख लेते हैं, ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है, इसको एडजस्ट करते हैं। ये एडजस्ट कर दिए और अब इसको एक्टिवेट करेंगे और इस फोटो के
आउटर साइड को डिलीट कर देते हैं, आउटर साइड मतलब बाहरी एरिया, ये डिलीट कर देते हैं, डिलीट हो गए। और अब इसके ओपेसिटी बढ़ा देते हैं फुल। अब देखेंगे आप बहुत ही अच्छे से ये फोटो आके तैयार है। दो बातें यहां पर करनी है, वो ये कि यहाँ पर कपल का नाम लिख देना है और यहाँ पर स्टूडियो का नाम लिख देना है, क्योंकि जब कवर को पेज बनाते हैं तो फोटोग्राफर जो होता है वो अपना नाम लिखना चाहता है बाहर में, और लास्ट में ही उसका अधिकार होता है। यहाँ पर नाम लिख देंगे फोटोग्राफर का और यहाँ पर कपल्स का नाम लिख देंगे, और दूसरा कवर पेज अपने पास बना के फर्स्ट वाला यहाँ पर ईयर लिख देंगे, ये नाम लिखा हुआ है, और सारा बढ़िया तरीके से कवर पेज बनेंगे। तो दोनों ही कवर पेज बनाने का मैकेनिज्म मैंने आपको बता दिया, एक एक चीज पॉइंट वाइज समझाया, बताया, दिखाया, सारी चीजें हुई। उम्मीद है कि आप लोगों की चीजें समझ गए, छोटी छोटी चीजों को नोटिस करवाया, बहुत बारीकी से समझाने की कोशिश किया, अच्छे से आपको समझ में आ गया हो। मुझे उम्मीद है कि आज का वीडियो आपको बेहद ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे कल की एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं कल, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद, जय हिंद।